हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है द सीड। ठीक है, तो हम द सीड के बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि तो सीड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। तो सीड जो है, ये जो आपका चैप्टर है, ये नीट के एग्जाम में जो है पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट है आपका सीड से रिलेटेड, वो आपका पूरा जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीड होता क्या है? तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि अगर आप कोई भी प्लांट अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सीड जो है वो मैंडेटरी होता है। कि सीड आप जैसे ही जो है रूट सीड जो है जैसे ही आप जो है सॉयल में डालते हैं तो क्या होता है, और जो पानी डालते हैं तो क्या होता है, कि धीरे धीरे कुछ दिनों में जो सीड है उसमें से जो है लीफ निकलना स्टार्ट हो जाती है और सीड जो है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है एक इंटायर प्लांट में। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर सपोज आप जो है सीड से प्लांट ऑप्टेन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर सीड नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो सॉयल में डायरेक्टली सीड को फेंक देते हैं और उसके बाद देखते हैं कुछ दिनों बाद कि जो सीड से जो है वो प्लांट निकल आया है। ठीक है, अगर आप सपोज पी का सीड जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप सपोज एक ट्रे लीजिए। ठीक है, आपने एक ट्रे ले लिया और ट्रे में जो है आप पी के सीड जो है वो पुट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो पी के सीड हैं ये आपको पुट करने हैं ब्लॉटिंग पेपर्स पे। ठीक है, ये आपका पूरा ट्रे हो गया, ट्रे में आप जो है ब्लॉटिंग पेपर डाल सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, अब ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आपको पी के सीड डालने, ये हो गया पी सीड। ठीक है, अब आपको इसे कवर कर देना है ब्लॉटिंग पेपर से, उसके बाद आपको जो है वाटर एंटर कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, वाटर जो है इस पे ऐसे ऐसे वाटर जो है उसे डाल देना है, क्योंकि वाटर जो है मैंडेटरी होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तब आप इसे जो है 2 to 3 days जो है उसे ऐसे रख दीजिए, लेकिन आप जो है मॉर्निंग में इसमें जो है पानी डालना मैंडेटरी है, क्योंकि जो सीड पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए। तो आप इस पे मॉर्निंग में या इवनिंग में जो है एटलीस्ट 1 time आपको पानी इसमें देना पड़ेगा, और आपको इस पे कंटिन्यू देखना पड़ेगा कि जो सीड है वो कहीं ड्राई तो नहीं हो रहा। अगर ड्राई हो रहा तो उसमें आपको पानी देना पड़ेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होगा कि जैसे टाइम बीतेगा तो 2 to 3 days या 3 to 4 days में क्या होगा, यहाँ पे इसका जो है रेडिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे आपकी जर्मिनेशन हो रहा है, इसमें से व्हाइट व्हाइट कलर का जो है रेडिकल जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, आप देखें ये जो आपने जो सीड है, ठीक है, उसे आपने पोर आपने जो है वो ब्लॉटिंग पेपर पे जर्मिनेट किया है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप डायरेक्टली जो एक टब में जो है सॉयल फिल कर सकते हैं। सॉयल फिल करने के बाद आपको जो है ये पी के सीड को ट्रांसफर करना है, उसके बाद इसको आपको ऊपर से जो है फिर से सीड जो सॉयल से कवर कर देना है, फिर इसे आपको पुट कर देना है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो पी सीड होता है इसका जो फुल प्लांट आने में मिनिमम 14 days लगता है। तो मिनिमम 14 डेज में क्या होगा, आपको जो है फुल प्लांट पी का देखने को मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, 3 to 4 days आपने जो है ब्लॉटिंग पेपर पे जो है सीड को जर्मिनेट किया, उसके बाद जो है आपने इसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया सॉयल में, और फिर आपने देखा कि सीड जो है वो कन्वर्ट हो गया एक इंटायर प्लांट में। क्लियर, अब देखिए, अब यही सीड जो है वो कन्वर्ट हो गया इंटायर प्लांट में। अब सीड में ऐसी क्या चीज होती है, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वजह से जो पूरा सीड है वो कन्वर्ट हो गया आपका इंटायर प्लांट में। और यहाँ पे एक चीज और देखने वाली होती है कि आपको यहाँ पे जो है जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और जो भी इसकी अदर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि देखिए सॉयल से आपको जितने भी न्यूट्रिएंट है वो मिल जाएंगे, लेकिन वो टेम्परेचर बहुत ही इफेक्ट लाइक इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही प्लांट को आप 25 डिग्री से 30 डिग्री में ग्रो करेंगे तब ये बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। वहीं अगर कंडीशन अगर आपकी 40 या 50 के बीच में आ गई तो आपका जो पी प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा और पूरा वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सीड है वो ग्रो ही नहीं होने देंगे, सीड जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगी और जो पूरा एंटायर प्लांट है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है 2 conditions है, एक आपका टेम्परेचर और साथ में लाइट भी यहाँ पे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है और यहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करती है। तो ह्यूमिडिटी मिनिमम यहाँ पे 70% होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तभी जाके जो ये प्लांट है वो इजिली ग्रो होगा। ठीक है, तो ये आप मैंने आपको बेसिक बताया कि सीड जो है वो कैसे ग्रो करता है, आप कैसे जो इसे की कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं सीड के बारे में। तो सीड होता क्या है आखिर? ठीक है, तो सीड होता क्या है, तो अगर हम इसे डिफाइन करें
तो सीड कैन बी डिफाइंड एज अ मैच्योर इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरंजियम। ठीक है, तो अगर हम सीड की डेफिनेशन देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ मैच्योर इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरंजियम। ठीक है, अब देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं दे कैन बियर सीड्स, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बियर सीड्स। क्लियर, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट उसमें आप देखेंगे कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, अब क्या होता है कि सीड जो है ये ऑलवेज इनक्लोज रहता है इन अ डोरमेंट एम्ब्रियो। क्लियर, तो ईच सीड इनक्लोजेस एन इनएक्टिव और डोरमेंट एम्ब्रियो। क्लियर, तो ये जो भी सीड है इट विल ऑलवेज इनक्लोज एन एक्टिव और डोरमेंट एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्या होता है, सुटेबल कंडीशन जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 70% है, मैं पी की बात करता हूँ पी पे, और अगर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 30 degree है। ठीक है, और आपका लाइट सोर्स भी आपको यहाँ पे जो है 200 to 300 माइक्रो आइंस्टीन का अगर आपको यहाँ पे लाइट मिल रहा है, सुटेबल लाइट मिल रहा है, तब क्या होगा ये जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएंगे और इट विल कन्वर्ट इनटू द एडल्ट प्लांट। क्लियर, तो ये हो गया एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीड कि सीड क्या होता है और सीड जो है वो कैसे ग्रो करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पी का एग्जाम्पल लेके जो है सीड का जो है बेसिक बता दिया है कि सीड जो है क्या होता है, इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और सीड को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कैसे जो है सीड को ग्रो करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की कि सीड का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कि कैसे वो जो है ग्रो करता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, अब देखिए कोई भी टिपिकल सीड होगा तो इट विल बी हैविंग थ्री पार्ट्स। ओके, तो अगर नंबर वन की बात करें तो आपका यहां पे हो जाएगा सीड कोट। क्या हो जाएगा? सीड कोट। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? सेकंड आपका हो जाएगा एम्ब्रियो। सेकंड आपका पार्ट हो जाएगा एम्ब्रियो। क्लियर, अब बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड आपका पार्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म। तो कोई भी सीड हो उन सब में मिनिमम जो है ये थ्री पार्ट जो होते ही है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो तब से पहला पार्ट हो जाएगा वो सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो, थर्ड जो है वो एंडोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, अब सीड कोट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मैं आपके साथ पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए कोई भी सीड कोट है वो जनरली टू लेयर से मिलकर बना होता है। एक आउटर लेयर होती है, क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टा। क्लियर, एक होती है इनर लेयर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेगमेन। क्या बोलते हैं? टेगमेन। ठीक है, तो ये क्या होगी? सीड कोट की आउटर लेयर। अब सीड कोट का जो फंक्शन क्या होता है, अब जनरली सीड कोट क्या करते हैं, ये इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सीड। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्टिव, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। तो ये तुम्हारा जो सीड है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करती है ताकि सीड पे अगर कोई इफेक्ट है या कोई से अगर तोड़ना चाहे या सीड को अननेचुरली अगर उस पर कोई इफेक्ट आता है कोई भी भारी चीज का या किसी चीज का, तब जो ये सीड कोट होता है वो उसे प्रोटेक्ट करता है सीड को। ठीक है, अब तो सीड कोट का फंक्शन हो गया, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं सीड कोट में, तो उसकी अगर बात करें तो एक तो होता है आपका है माइक्रोपाइल, एक होता है आपका माइक्रोपाइल, मैं इसे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा आपका जो होता है वो फ्यूनिकुलस होता है, फ्यूनिकुलस होता है, और जो नेक्स्ट होता है वो आपका होता है रेफे, रेफे होता है, और जो लास्ट होता है वो होता है हाइलम। तो ये सारे जो टर्म्स हैं
ये सब आप जो पढ़ेंगे वो सीड कोड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो में आपको क्या पढ़ना है, ये भी डिवाइड होता है, अगर इसकी बात करें तो ये इसमें हो जाएगा आपका कॉटिलेडन, आपका एक हो जाएगा कॉटिलेडन, दूसरा आपका हो जाएगा टिगेलम, क्लियर। तो देखिए एम्ब्रियो भी जनरली टू टर्म से मिलके बना होता है, एक आपका कॉटिलेडन हो गया, एक टिगेलम, तो यहाँ पे आपको टू पार्ट जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टू पार्ट जो है वो देखने को मिले हैं, ठीक है, एक टिगेलम हो गया, एक कॉटिलेडन हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब टिगेलम भी फर्दर सब डिवाइडेड होता है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट आपका रेडिकल हो गया जो मैंने आपके ऑलरेडी डिस्कस किया, दूसरा पार्ट इसका हो गया प्लूमूल हो गया, प्लू मूल हो गया, और नेक्स्ट जो हो गया वो आपका हो गया एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। तो टिगेलम क्या मिलके बना होता है, टिगेलम में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका रेडिकल, दूसरा प्लूमूल, नेक्स्ट होता है आपका हाइपोकोटाइल, और जो लास्ट वन होता है ये आपका होता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसके बात करें अगर एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म जो है ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जनरली क्या करता है, ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंडोस्पर्म इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। और एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को, लाइक एम्ब्रियो को फुल्ली डेवलप होने में, इंटायर प्लांट में फुल्ली डेवलप होने में, ठीक है। तो ये जो है एक जनरल जो है स्ट्रक्चर है सीड का। तो सीड के स्ट्रक्चर में थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक आपका सीड कोट हो गया, एक एम्ब्रियो हो गया, एक एंडोस्पर्म। इसके अलावा जो है इसके कुछ सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो भी मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम जनरली अगर सीड का स्ट्रक्चर देखें, अगर आप जनरली अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखो, तो आप अगर हम इस टाइप में देखें सीड का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये मैं पी सीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं पी सीड की बात कर रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेता हूं, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर हम आउटर ही देखें, तो देखिए जैसा मैंने आपके डिस्कस किया है कि सीड में सीड कोट होता है, क्लियर। अब सीड कोट में टू लेयर होती है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, एक तो टेस्टा होती है, टेगमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए अगर सपोज देखिए ये आपका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपाइल, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ये माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है हाइलम, क्लियर। तो देखिए नॉर्मली अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें, अगर सीड का, तो यहाँ पे देखिए सीड कोट, माइक्रोपाइल, हाइलम, तो ये थ्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सीड का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल हमें आपको लेके बता देता हूं एक बार। तो देखिए ये जो आउटर कवरिंग है सीट कोट, ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका सीट कोट जो कि आउटर कवरिंग होता है। अब यही सीट कोट जो है ये हेल्प करता है सीट को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, तो सीट को प्रोटेक्ट करने में। अब जो इसका एक देखिए यहाँ पे डबल लेयर स्ट्रक्चर है, तो आउटर लेयर एक जो है ये आपकी टेस्टा हो गई, आउटर लेयर, और जो इनर लेयर हो गई वो आपकी हो गई टेगमेन, तो ये आपकी हो जाएगी टेगमेन। तो टू लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टेगमेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीट कोट का पार्ट। अब देखिए इसी में जो है माइक्रोपाइल, फ्यूनिकुलस, रैफे, हाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोपाइल की, तो माइक्रोपाइल क्या है, ये एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है सीट कोट पे, ठीक है। तो देखिए एक स्मॉल सा ओपनिंग प्रेजेंट है सीट कोट पे, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, ओके। तो देयर इज स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड ऑफ द सीड कोट एंड इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब इसका फंक्शन क्या होता है माइक्रोपाइल का, तो माइक्रोपाइल की हेल्प से क्या होता है, वाटर जो है एंटर्स द सीड, ठीक है, तो वाटर एंटर्स द सीड थ्रू माइक्रोपाइल।
तो माइक्रोपाइल की हेल्प से जो वाटर है वो सीड में एंटर करता है। अब वाटर एक जो है ये मेन कंपोनेंट है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर उसे प्रॉपर जो है वाटर नहीं मिलेगा तो सीड जो है वो इंटायर प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा और उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए माइक्रोपाइल जो एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से जो वाटर है वो एंटर करता है सीड में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूनिकुलस की। तो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन मैं बता दूं फ्यूनिकुलस, ठीक है। अब फ्यूनिकुलस क्या होता है, जहां पे जो है सीड जो है ब्रेक होता है स्टॉक से, ठीक है, जहां पे जो सीड है वो स्टॉक से ब्रेक होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो द स्टॉक ऑफ द सीड विद विच द सीड इज अटैच टू द फ्रूट वॉल, ठीक है, या ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि द स्टॉक ऑफ सीड, मैं आपको बता दूं, सो द स्टॉक ऑफ सीड विद विच द सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो सीड का स्टॉक पार्ट जो कि जो है जब सीड जो है वो अटैच होता है फ्रूट वॉल से तो जो स्टॉक प्रेजेंट होता है उसी स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस। अब इस स्टॉक की हेल्प से जो है सीड अटैच हो जाता है फ्रूट वॉल से, क्लियर। तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा हाइलम, ठीक है। अब देखिए हाइलम क्या है, एक ये एक टाइप का लार्ज स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मेंशन है कि लार्ज स्क्वायर, इट इज टाइप ऑफ लार्ज स्क्वायर, ठीक है। सो थ्रू विच इज लोकेटेड नियर द मिडिल ऑफ वन एज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है नियर द मिडिल ऑफ वन एज, ठीक है। तो ये आपका पूरा पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीड कोट पे एक मिडिल में जो है एक लार्ज स्क्वायर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द हाइलम, क्लियर। आप बात कर लेते हैं हम लोग रैफे की। तो देखिए इन्होंने रैफे मेंशन नहीं कर रखा है, तो एक और पार्ट होता है रैफे, ठीक है। तो रैफे क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द फ्यूनिकुलस, इट रिप्रेजेंट द बेस ऑफ फ्यूनिकुलस विच इज फ्यूज्ड विद द इंटेगुमेंट्स कॉल्ड रैफे, क्लियर। तो ये रैफे होता है ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, किसके बेस को, फ्यूनिकुलस के बेस को, ठीक है, फ्यूनिकुलस के बेस को रिप्रेजेंट करता है। और यही जो फ्यूनिकुलस होता है जो कि अटैच होता है इंटेगुमेंट से, तो इट रिप्रेजेंट द बेस ऑफ फ्यूनिकुलस विच इज फ्यूज्ड विद द इंटेगुमेंट कॉल रैफे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है एम्ब्रियो पार्ट, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सीड कोट के इतने पार्ट्स को डिस्कस कर लिए हैं, अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे वो एम्ब्रियो पार्ट करेंगे। अब देखिए एम्ब्रियो में जो है कॉटिलेडन, ठीक है, सबसे मेन जो पार्ट है वो कॉटिलेडन है और दूसरा पार्ट है वो टिगेलम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉटिलेडन पार्ट को, ठीक है। अब देखिए जो कॉटिलेडन पार्ट है ये क्या होते हैं, जनरली लीव्स होती है एम्ब्रियो की। तो दीज आर जनरली लीव्स ऑफ एम्ब्रियो। अब देखिए किसी किसी सीड में जो है कॉटिलेडन वन होता है और किसी किसी सीड में टू होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है, कि आपका जो सीड है वो कौन से प्लांट का है। सम टाइम द नंबर इज आइदर टू और वन, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो कॉटिलेडन होते हैं दे एक्ट एज ए स्टोर फूड मटेरियल, यानी कि ये जो फूड मटेरियल है उसे स्टोर करने का भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करते हैं देन दे रिमेन थिन और पेपरी, तब ये बहुत ही पतले और जो है पेपरी टाइप के हो जाते हैं, अगर ये फूड मटेरियल को स्टोर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। अब जो भी कॉटिलेडन है ये हमेशा जो अटैच होता है टिजेलम से अटैच होता है, ठीक है, किससे अटैच होता है, टिजेलम से, क्लियर। तो ये हो गया, हमने कॉटिलेडन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये टिजेलम क्या होता है, अब देखिए ये टिजेलम जो है इसमें भी बहुत से मल्टीपल जो है फैक्टर्स हैं या मल्टीपल पार्ट्स हैं, एक रेडिकल आपका हो गया, एक प्लूमोर हो गया, एक एपिकोटाइल, एक हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो ये टिजेलम ये फोर पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये कॉटिलेडन जो है ये जनरली अटैच एट द एक्सिस
और वी कैन से इट अटैच हाइल्ड टू देन एक्सिस, ठीक है, तो उसी एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीजेलम, क्लियर। तो देखिए ये आपका हो गया कॉटिलेडन, क्लियर। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ जो कैम्ब्रियो के पार्ट्स होते हैं, तो मैंने आपके यहाँ जैसे मेंशन किया कि कॉटिलेडन जो है वो वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सीड कि आपके पास जो सीड है वो कौन से प्लांट का है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिकल की, क्लियर। तो रेडिकल क्या है, ये जनरली तो है माइक्रोपाइल के बाद होता है, ठीक है, इट लाइज नेक्स्ट टू माइक्रोपाइल, क्लियर। तो विच इज कॉल्ड रेडिकल, और ये क्या एक टाइप की रूडिमेंटरी रूट होती है, ठीक है। अब यही जो रेडिकल पार्ट है आप देख सकते हैं सबसे बेस, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो कि अटैच रहता है माइक्रोपाइल से, ये जो पार्ट है इट रिप्रेजेंट द रूट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लियर। तो ये क्या करता है, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब वही देखिएगा दूसरा पार्ट जो कि ये प्लूमूल, ठीक है। प्लूमूल क्या है, एक टाइप का फीडरी पार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना आपको, देखिए यहाँ पे जो ये पार्ट है ये प्लूमूल होता है। अब यही जो है लीफ का फॉर्मेशन करता है, जब भी आप देखेंगे जो प्लांट जब ग्रो करेगा तो ये प्लूमूल है ये बाहर निकलता जाएगा, और ये प्लूमूल क्या है, टोटली एक फीडरी लाइक ये जो है सूट फॉर्मेशन का हेल्प करेगा। तो ये प्लूमूल जो है मेनली इट एक्ट्स टू फॉर्म द सूट, ओके, और वी कैन से इट एक्ट्स एज द फर्स्ट एपिकल बड ऑफ सूट, यानी कि जो ऊपरी पार्ट होगा सूट पोर्शन जो होगा वो प्लूमूल की हेल्प से डेवलप होगा, और जो सीड से जो कन्वर्जन होगा प्लांट का वो प्लूमूल पूरा करेगा, ठीक है। जो कि आपको ऊपर जो लीव्स मिलेंगी तो वो सब जो पार्ट है वो इट इज रेस्पॉन्सिबल बाई दिस प्लूमूल, तो इट विल ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट एपिकल बड टू ऑफ सूट, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिकोटाइल की। आप देखिए एपिकोटाइल, आप देखिए दो टाइप के जर्मिनेशन होते हैं, जैसे आपको पता होगा एक एपिकोटाइल जर्मिनेशन होता है, एक हाइपोकोटाइल, क्लियर। तो टू टाइप्स के जर्मिनेशन होते हैं, एक जो आपका हो गया हाइपोजील जर्मिनेशन, एक आपका हो गया एपीजील जर्मिनेशन, ठीक है। तो एक आपका हाइपोजील होता है जर्मिनेशन, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक होता है एपीजील जर्मिनेशन। अब कुछ सीड में जो है वो हाइपोजील जर्मिनेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें पी सीड में, अगर पी की बात करें तो उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजील होता है, या हम बात करें मेज तो पी और मेज में जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजील होता है। वहीं अगर बात करें एपीजील जर्मिनेशन की, तो एपीजील जो जर्मिनेशन होता है वो आपको मिलेगा मस्टर्ड में, किसमें मिलेगा, मस्टर्ड में, ठीक, या आपको मिल सकता है वो कुछ और प्लांट्स में, जैसे आपका ओनियन में हो गया, जो ओनियन में जो जर्मिनेशन होता है वो होता है एपीजील, ठीक है, तो ओनियन में हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो बहुत और एग्जांपल है जहां पे जो है जर्मिनेशन वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कौन सा है। अगर ओनियन है या मस्टर्ड है तो एपीजील जर्मिनेशन होगा, वहीं अगर आपका पी है या मेज है तो ये आपको हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन होगा। तो ये भी जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप जो है अच्छे से याद रखें कि कौन सा जो जर्मिनेशन है, सपोज पी में जो है जर्मिनेशन कौन सा होता है और जो मस्टर्ड में जर्मिनेशन होता है वो कौन सा होता है। तो ये सब चीजें जो है आप ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीड में दोनों पार्ट होते हैं, एक हाइपोकोटाइल होता है, एक एपिकोटाइल होता है, ठीक है। अगर आपका पी का पी सीड है तो आपका जो जर्मिनेशन होगा वो हाइपोकोटाइल टाइप होगा, अगर आपका मस्टर्ड है तो जर्मिनेशन होगा वो एपीजील जर्मिनेशन होगा, क्लियर। तो टू टाइप्स के जर्मिनेशन होंगे। अब बात क्या होती है एपिकोटाइल की, ठीक है। तो एपिकोटाइल क्या है, इट इज अ पोर्शन ऑफ एक्सिस दैट लाइंग बिटवीन द कॉटिलेडनरी नोड एंड प्लूमूर, ठीक है, यानी कि प्लूमूर और कॉटिलेडनरी नोड के बीच में जो पार्ट रहता है उसे हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं, क्लियर। अब जो कि नोड और रेडिकल के बीच पोर्शन रहता है उसे हाइपोकोटाइल, ठीक है, रेडिकल और जो आपका रेडिकल और नोड के बीच जो पोर्शन रहेगा वो हाइपोकोटाइल रहेगा। तो देखिए हाइपोकोटाइल कहाँ है, रेडिकल और नोड के बीच में, ठीक है। तो रेडिकल और नोड के बीच में जो पोर्शन है वो आपको हाइपोकोटाइल है, और जो प्लूमूर और नोड के बीच में वो आपका एपिकोटाइल है। तो देखिए ये आपका प्लूमूर है, ये आपका नोड है, तो इसके बीच में जो पोर्शन है वो आपका एपिकोटाइल हो गया, क्लियर। और सीड कोट तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्लियर। तो ये हमारा हो गया एम्ब्रियो और उसके पार्ट्स। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया एंडोस्पर्म। तो मोस्टली एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये जनरली जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि आपके सीड को न्यूट्रिशन भी कोई प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो ग्रो करेगा। तो इसके लिए जो है एंडोस्पर्म इट एक्ट्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सीड, ठीक है।
तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने स्ट्रक्चर था सीड का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके साथ जो सीड का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, अब सीड का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लिया, और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं प्लांट ऑर्गन्स, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशन है कि जो सीड होते हैं वो किन किन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, वो भी मैंने आपके डिस्कस किया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हर सीड का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं हर प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो उसकी लाइट इंटेंसिटी, वो वेरी करती है। ठीक है, तो एक प्लांट का अगर सपोज 25-30 डिग्री में ग्रो कर रहा है, तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं वो 30-40 डिग्री में भी अच्छा ग्रो करते हैं। तो ये वेरी करता है कि आप जो है कौन सा प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि व्हाट आर द कंडीशंस थ्रू लाइक विच इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो इस टाइप में जो है हम ये जो सीड चैप्टर है पूरा फिनिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।